Mujahideen. These were considered heroes. President Ronald Reagan invited them to White House in 1983. And according to news items, he compared them to the founding fathers of the United States. They were heroes. ये थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और यहाँ पे ये मुजाहिदीनों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं सीधे सीधे। ये जो स्पीच दी है इमरान खान साहब ने, ये जो एक्सेप्ट देखा आपने, ये यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के फोरम पे ये स्पीच दी गई है। इस पर्टिकुलर फोरम की स्पीच में उन्होंने क्या बोला कि रोनल्ड रीगन ने खुद मुजाहिदीनों को सपोर्ट किया है। देखिए कुछ हद तक ये बात सही बताई जाती है। 1983 में जो ओवल ऑफिस था व्हाइट हाउस का, वहां पे एक स्पीच, एक मीटिंग हुई थी। यहाँ पे आपको रोनल्ड रीगन बैठे नजर आ रहे हैं और साथ साथ यहाँ पे कुछ मुजाहिदीन के रिप्रेजेंटेटिव्स आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए 1979 में इन्वेजन हुआ था कहाँ का, सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान के ऊपर। उस समय पे जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, वो थे जिमी कार्टर। जिमी कार्टर के बाद प्रेसिडेंट बने हैं आपके रोनल्ड रीगन, और रोनल्ड रीगन ने ओवरऑल यहाँ पे बहुत मेजर स्केल पे असिस्ट किया था किसको, मुजाहिदीनों को। अब इन मुजाहिदीनों के पास सपोर्ट कैसे जाता था, तो एक ऑपरेशन साइक्लोन चलाया गया था। इस ऑपरेशन साइक्लोन के चलते इन मुजाहिदीनों को और पाकिस्तान की ISI को बहुत सारे वेपन्स और बहुत सारे पैसे अवेलेबल करवाए CIA ने, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने। बहुत सारे US के जो वेपन्स थे वो कराची पोर्ट में आते थे और कराची पोर्ट से अनलोड होके वो फिर अफगानिस्तान के अंदर इन मुजाहिदीनों के पास पहुंचते थे। इस पूरे वॉर में जहां पे सोवियत यूनियन हारा था, 1986 में चीजें काफी बदल गई थी जब US बिल्ड स्टिंजर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को डिप्लॉय किया गया। यहां पे आपको एक पर्टिकुलर पर्सन ये स्टिंजर मिसाइल पकड़े नजर आ रहा है। इस स्टिंजर मिसाइल से यूएसएसआर के जो भी एयरक्राफ्ट थे, यूएसएसआर के जो भी हेलीकॉप्टर्स थे, उसको नीचे गिराना शुरू कर दिया मुजाहिदीन फाइटर्स ने। समझिए मैं उस समय की बात बता रहा हूं जब तालिबान नहीं बना था। इन्हीं मुजाहिदीनों के बीच में से एक स्टूडेंट ग्रुप निकलेगा जिसको बोला जाएगा तालिबान। ओवरऑल ये मुजाहिदीन क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि एक फॉरेन पावर USSR इनके जमीन पे आके इनके ऊपर राज कर रही थी और ये बात इनको पसंद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने उस फॉरेन पावर के अगेंस्ट में जिहाद कर दिया था। अब इस पर्टिकुलर फैक्ट को यहाँ पे इमरान खान किस प्रकार से जस्टिफाई कर रहे हैं कि रोनल्ड रीगन साहब ने मुजाहिदीनों को ओवल ऑफिस में बुलाया और उसके बाद उनको फाउंडिंग फादर्स ऑफ द अमेरिका से कंपेयर किया। अब देखिए इस बात के ऊपर भी बहुत हद तक डाउट है कि ये जो फोटो है वो कितनी जेन्युइन है, किस हद तक ये फोटो सही है, किस हद तक रोनल्ड रीगन ने इनको होस्ट किया था, इस बात को भी लेके बहुत सारा डिस्प्यूट है। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसको सही मानते हैं। जो मेन आप कह सकते हो डिजास्टर्स स्टेटमेंट यहाँ पे पाकिस्तान के PM ने दे दिया वो ये था कि रोनल्ड रीगन ने मुजाहिदीनों को कंपेयर किया अमेरिका के फाउंडिंग फादर से। अब इस प्रकार के स्टेटमेंट की कोई भी पुष्टि नहीं है। ये यहाँ पे पाकिस्तान के PM ने दे तो दिया है लेकिन इनको बहुत जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज किया जा रहा है और किसी और के द्वारा नहीं, खुद पाकिस्तान के लोगों के द्वारा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पाकिस्तान के अपोजिशन मेंबर्स, खैर अपोजिशन मेंबर्स तो क्रिटिसाइज करते ही हैं, पाकिस्तान के कुछ रिपोर्टर्स हैं जो कि ओपनली क्रिटिसाइज कर रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान के PM को। इस प्रकार की स्पीच से पता चलता है कि किस हद तक पाकिस्तान के PM ये जो मुजाहिदीन वाली फिलॉसफी है और ये जो अभी करंट लीडरशिप है अफगानिस्तान की, इसकी सपोर्ट में बात कर रहे हैं। हालांकि इसके अगेंस्ट में हमारी एक IFS ऑफिसर है जिनका स्टेटमेंट आया, स्नेहा दुबे, जिनका स्टेटमेंट काफ़ी वायरल हुआ है, उसको आपने देखा भी होगा, जिसमें उन्होंने साफ साफ पाकिस्तान की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया है और ओवरऑल पाकिस्तान को बोला है कि आप तुरंत PA को वैकेट कर दीजिए। हालांकि इस प्रकार की स्टेटमेंट बाजी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में होती रहती है। इस बार इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट इसलिए कर दिया गया क्योंकि पहले जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आता था इंडिया वाले उसको इग्नोर कर देते थे। इस बार एक बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की तरफ से गया है पाकिस्तान के अगेंस्ट में। हालांकि यहाँ पे एक और बात निकल के आ रही कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये रोनल्ड रीगन वाली बात पहली बार बोल रहे हैं। 2019 में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की मीटिंग के दौरान भी उन्होंने यही स्टेटमेंट बोला था कि रोनल्ड रीगन ने मुजाहिदीन लीडर्स को इन्वाइट किया था वॉशिंगटन के ओवल व्हाइट हाउस के ऑफिस में, उनकी मीटिंग हुई थी और उस समय पर रोनल्ड रीगन ने उन मुजाहिदीनों को फाउंडिंग फादर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कंपेयर किया था। तो बेसिकली इस बात पे यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो रही है और इस बात पे यहाँ पे ये जो इमरान खान है इसको उल्टा सीधा सुनाया जा रहा है। इस कंटेक्स्ट में एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप ये टाइमलाइन जरूर याद रखिएगा।
1979 अटैक हुआ, सोवियत इन्वेजन, उस समय पे यूएस प्रेसिडेंट कौन था? जिमी कार्टर। ये कुछ वन लाइनर इन्फॉर्मेशन से जो आपके काम आएंगी। जिमी कार्टर ने इस प्रोग्राम को शुरू किया, ओवरऑल CIA ने इसको कोड नेम दिया ऑपरेशन साइक्लोन। जब यहाँ पे एंट्री होती है रोनल्ड रीगन की, रोनल्ड रीगन भी यहाँ पे जिमी कार्टर की पॉलिसी को आगे लेके जाते हैं और फाइनली सब कुछ तब बदल जाता है जब 1986 में US बिल्ड स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दे दी जाती है मुजाहिदीनों को। हालांकि 1990s में जब ये वॉर खत्म हो चुका था और USSR हार चुका था, तब US बहुत कोशिश कर रहा था कि वो इन स्टिंगर मिसाइल्स को वापस ले ले, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आगे आने वाले समय में किसी एंटी अमेरिकन कॉज में उस स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को यूज किया जाए। हालांकि बहुत सारी मिसाइल्स वहीं पे रह गई थी मुजाहिदीनों के कंट्रोल में। ओवरऑल ओसामा बिन लादेन और अलकायदा को सीधे सीधे CIA का असिस्टेंस मिला था, ऐसा भी यहाँ पे बोला गया। बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस बात को नकारते हैं, US तो देखिए इस बात को नकारेगा ही। तो छोटी सी न्यूज थी, इसको हिस्ट्री के साथ रिलेट करके हमने थोड़ा सा देखा है। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें। हर चीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। गुड बाय।